नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल। एनसीबी के हाथ लगा है बड़ा सबूत, आर्यन खान ने ड्रग्स को लेकर की थी बॉलीवुड एक्ट्रेस से बात। यूपी में सपा सुभाषपा के बीच हुआ चुनावी गठबंधन, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर दी जानकारी। नई पार्टी का ऐलान कर कैप्टन ने खेला बड़ा दांव, कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं नाराज नेता, पंजाब में खड़ी करेंगे बड़ी सियासी फौज। प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, आगरा पुलिस की कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत के बाद सियासी बवाल। IRCTC के शेयरों में भारी गिरावट, महज दो दिन में निवेशकों के डूबे 30,000 करोड़ रुपए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्ति चाहते हैं पार्टी प्रभारी हरीश रावत, राहुल गांधी से भी की मुलाकात। हमीरपुर में सिपाही रामशंकर पटेल के बेटे का अपहरण, व्हाट्सएप पर मांगी 5 लाख की फिरौती, दो दिन से लापता है देवांग पटेल। यूपी में 40% महिला प्रत्याशी, ममता बनर्जी ने उड़ाया कांग्रेस का मजाक, कहा हमारी नीत की नकल की जा रही है। भारत के लिए फिर बजी खतरे की घंटी, ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेटेड वर्जन, मचा रहा कोहराम। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त, रिटायर ब्रिगेडियर सहित 5 की मौत, 2 घायल। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली बयान वापस लें नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए रहें तैयार। पुलवामा में मजदूर की हत्या में शामिल आतंकी आदिल अहमद वानी मारा गया, मुठभेड़ के दौरान सेना के 3 जवान भी घायल। ईडी के दिल्ली दफ्तर पहुंची अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज, 200 करोड़ की उगाही से जुड़े एक मामले में होगी पूछताछ। एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। भाजपा नेत्री बेबी रानी मौर्य का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस को चुनाव के समय आई महिला आरक्षण की याद। शामली में बस की छत पर बैठे छात्र की विद्युत लाइन से टकराकर मौत, दूसरा छात्र हुआ गंभीर रूप से घायल। उफान पर आई गंगा नदी, हस्तिनापुर में नाजुक हुए खादर क्षेत्र के हालात, फसलें व सड़कें जलमग्न, कई गांवों से टूटा संपर्क। मेरठ के बसपा से पूर्व विधायक विनोद कुमार हरित रालोद में शामिल, जयंत चौधरी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हाजी गल्ला की कोठी पर कुर्की की कार्रवाई, मेरठ पुलिस की पूछताछ में किए कई अहम खुलासे।